हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो, अभी मैं हूँ टनौल्टी में और आप देख सकते हो वेदर यहाँ पे स्नो भी है। ये देखिए, ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पर, आपको मालूम है स्नो हो रही है तो हाथ भी काँप रहे हैं। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे। तो गाइज ये देख सकते हो आप, ये है मसूरी धनौल्टी रूट और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल रूट है ये। आप आएंगे तो यहाँ पर आप इन्जॉय कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा वेदर है इस टाइम। तो अभी जनवरी है आप देख सकते हो, और यहाँ रेस्टोरेंट में मैं रुका हूँ थोड़ा चाय पीने के लिए और फिर यहाँ से आगे जाऊँगा। बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है दोस्तों आजकल, तो आगे स्नो भी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगा। छोटी सी वीडियो है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो गाइज आप वेदर देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, और देहरादून से धनौल्टी की दूरी लगभग 62 किलोमीटर है और मसूरी से धनौल्टी की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है दोस्तों। तो आप यहां पर आ सकते हो इजली। और आप ये देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं इको पार्क धनौल्टी में। यहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के लिए भी बड़े भी यहाँ पर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल जगह को। पर यहाँ पर स्नो नहीं है दोस्तों, मैं अभी आपको स्नो दिखाऊँगा जिस जगह पर स्नो है, तो मैं अभी आपको वहाँ दिखाता हूँ। और इस जगह को आप देख सकते हो, यहाँ का एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है। अभी स्नो नहीं है तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा, और इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये थोड़ा सा धनौल्टी से पहले ही था और इसी जगह पर ये स्नो है, तो बहुत ज़्यादा इस बार स्नो नहीं हुई है। आप देख सकते हो इस जगह को। तो गाइज़ अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो अभी अगर आप आएंगे जनवरी फरवरी में, तो यहाँ पर अभी ऑफ सीज़न है, तो आपको जो है होटल्स वगैरह भी काफ़ी सस्ते प्राइस पर मिल जाएंगे और आप यहाँ स्नो देख सकते हो इस तरह से दोस्तों। चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं और उसके बाद मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ जहाँ पर कुछ फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं। पर गाइज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जहाँ स्नो होती है वहाँ पर बहुत केयरफुली चलिएगा, स्पेशली टू व्हीलर वालों को, तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, आप ब्रेक लगाएंगे आप स्लिप हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से चलिए, केयरफुली चलिए। आप सामने देख सकते हो इसी जगह पर मैंने 3-4 बाइक वालों को स्लिप होते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है। ये सामने भी देख सकते हो, ये बंदे भी गिर गए थे, तो इनके भी हेल्प करी। आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा का पूरा स्नो जमा हुआ है रोड के ऊपर, और यहाँ कुछ फैमिली इंजॉय करते हुए। गाइस यहाँ पर सामने आप देख सकते हो एक घर है गांव का, और इस जगह पर उनका खेत है। आप देख सकते हो इस जगह पर भी स्नो है और कुछ भाई लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, अपने ही देहरादून के हैं ये बंदे, मिले थे इनसे बात हुई तो इंजॉय कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हो स्नो थोड़ा कम है, लेकिन पर यार कोई नहीं, ठीक है, अपने देहरादून के पास है तो बहुत ज़्यादा दूर जाना भी नहीं होता और इंजॉय भी हो जाता है, तो ठीक है, अपना धनौल्टी पास में ही है। पहले तो मसूरी तक में भी स्नो होता था, लेकिन आजकल तो वहाँ भी नहीं हो रहा है, आपको पता ही है वेदर डिस्टर्बेंस के कारण ये सब हो रहा है चेंजेस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपको जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।